इंडिया दो साल के बच्चों को कोरोना टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना क्यूबा नमस्कार मैं राजवी सिंह और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया क्यूबा में पहले 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों को कोरोना टीका लगाया गया फिर सोमवार से 2 से 11 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई कोरोना संकट काल के बीच टीकाकरण के मामले में क्यूबा ने एक नई उपलब्धि हासिल की है क्यूबा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दो साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है क्यूबा में दो कोरोना टीका लगाए जा रहे हैं जो कि क्यूबा में

सीएन फिग्योस शहर में ही इस एज ग्रुप को वैक्सीन लगी है कई देशों में 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है वहीं कुछ देशों में ट्रायल चल रहा है चीन यूएई वेनेजुएला में भी छोटे बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया है लेकिन क्यूबा ने उनसे पहले ऐसा कर दिया है आपको बता दें कि भारत में भी 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना टीका दिया जाना शुरू होगा इसके लिए जाइडस कैडिला के कोरोना वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है जाइडस कैडेला की कोरोना वैक्सीन को जाइकोडी नाम दिया गया है यह डीएनए पर आधारित दुनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन है वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से मंजूरी दे दी गई है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया